जय मसीह की। सबको एक रुपया बैठ जाए अपने जगह में। हम इस सुबह के समय में एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को सुनते आए, अध्ययन करते आए, जो जागते रहो। इस मुद्दा के आधार पर हमने लगातार 12 हफ्ता परमेश्वर के वचन को प्रचार कर चुके हैं। पहला हफ्ता हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में, भूमिका के रूप में हमने एक घंटा प्रचार किया था। उसके बाद लगातार 11 हफ्ता प्रचार किया था। आज इस मुद्दा के अंतिम प्रचार जागते रहो उस प्रचार के मुद्दा की ये पार्ट 12 अर्थात भाग 12 है। तो हम इसे प्रचार के मुद्दा के आधार पर लगातार प्रचार करते आए। आज इस प्रचार को मैं इस मुद्दा के आधार के जो प्रचार है इसको मैं समाप्त करूंगा। तो मैं इस मुद्दा के अंतर्गत में कई बातों का आपके सामने लाया परमेश्वर के वचन से। आज मैं खास इसकी इस मुद्दा के आधारित एक और बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सबको ही जानते हैं प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरी आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम उस प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन की प्रति कितना हम विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास कितना है, किस प्रकार हम विश्वास रखते हैं, किस प्रकार हम उस मसीह यीशु जो हमारा उद्धारकर्ता, न्यायकर्ता, साथ ही साथ हमारा दुल्हा है, हम उसके इंतजार में किस प्रकार हम विश्वास के साथ हम इंतजार करते हैं, उसके बारे में मैं इस प्रचार के कंक्लूशन के रूप में इस मुद्दा के आधार पर मैं आखिरी प्रचार आपके सामने करना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम उस वचन को पहले पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों के पत्र, उसी वचन का आधारित मैंने लगातार 3-4 हफ्ता प्रचार किया। आज भी उसी वचन के आधार पर मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहता हूं, आपकी ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहला कुरिन्थियों के पत्र उसकी 16 अध्याय हम उसमें 13 पद को इस समय पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं, कई एक मुद्दा इस एक वचन में है जागने के लिए। हम केवल विश्वास के बारे में ही प्रचार करते आए, आज भी हम विश्वास के बारे में ही प्रचार करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपका ध्यान को आकर्षण करने के लिए इस दो बात को आपके सामने रखता हूं। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, एक विश्वास के जीवन में जागते रहो, दूसरा विश्वास के जीवन में स्थिर रहने में जागते रहो। एक विश्वास के जीवन में जागना, दूसरा विश्वास में स्थिर रहने के लिए जागना है। इन दोनों बातों हमारे लिए यहां पर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक नई बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। वो है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति हमारा कितना विश्वास है, हम कितना विश्वास के साथ उस प्रभु यीशु मसीह की इंतजार करते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मुझे देख करके वो किस प्रकार आनंदित होगा या दुखी होगा, इसके बारे में हमारे विश्वास के आधार रहित है कि हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा या हमारे लिए सजा मिलेगा। इस बात को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके ध्यान को आकर्षण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा अपने आगमन के बारे में, मैं उस बात को आपके सामने पहले लाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, मैं चाहूंगा सबको अपना बाइबल में उस अध्याय को खोल के रख लें, क्योंकि मैं इसमें 4 बात का आपके सामने लाऊंगा ताकि आप इस बात को समझ सके, इन बातों पर आप विश्वास कर सके। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसमें हम 24 अध्याय को खोल के रख लें, उसमें सबसे पहले 3 पद से लेकर हम 8 पद तक पहले सुनेंगे, 3 से लेकर 8 पद तक हम सुनेंगे।
जब जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने कहा, तो चेलों ने अलग से आकर उसके पास उसे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हमें बता कि ये बात हमें होंगे, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या और चिन्ह होगा, जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यहाँ दो बात दो सवाल किया जा रहा, प्रभु यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन कब होगी और जगत की अंत कैसे होगी। तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, 4-8 पद एक साथ पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। दूसरी बार हो गया, प्रभु इस बात को आपके पास कलम होगा तो अंडरलाइन कर ले, बारंबार प्रभु इस शब्द को इस अध्याय में इस्तेमाल करता है, भरमाए जाएंगे, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, तो इसका मतलब चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है कि बहुतों को वे भरमाएंगे, तो विश्वास आपकी स्थिर रहेगी, विश्वास प्रभु पर रहेगा, विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहेगा। आपको भरमाने के लिए जरूर आएंगे लेकिन वे आपको भरमाए ना पाएंगे। अगर आपके विश्वास नहीं है, अगर आपके विश्वास प्रभु पर नहीं है, अगर आपके विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं है, जरूर आराम से आप भरमाए जाएंगे। ये मेरी बयान नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के बयान है। आप एक मसीह परिवार में जन्म लेने के चलते सीधे आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कहिए कि आपको रुकावटों को पार करके जाना होगा। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले बात प्रथम बात को रखता है, लोग तुम्हें भरमाएंगे, बहुत लोग भरमाए जाएंगे, बहुत लोग विश्वास के जीवन में से बहक जाएंगे, बहुत लोग विश्वास के जीवन में गिर जाएंगे, बहुत लोग विश्वास की बातों में वे पीछे हट जाएंगे। बारंबार इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में कहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इस बात को ब्रीफली बतलाया कि बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है इट इज बिगिनिंग। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, प्रभु किस प्रकार सुंदर ढंग से इस दुनिया की अंत के बारे में और दुनिया के अंत में किस प्रकार की बातें होगी उसके बारे में आज आप सबको जानते हैं। लगभग दुनिया 2 साल से 1.5 साल पार हो गया 2 साल से परेशान है कोरोना प्लेग के कारण, महामारी के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने कहा महामारी आएगी जो दुनिया के अंत होने का लक्षणों में एक है, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। अब लोग जो वर्तमान मिडिल ईस्ट में बातें अफगानिस्तान में हो रही हैं, उसको लेकर के लोग सोच रहे हैं क्या ये तीसरी महा विश्व युद्ध का रूप है, क्या शुरुआत है, क्या इसके बारे में दुनिया के लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन बाइबल धर्म शास्त्र बतलाते हैं, उस बात को साइड में रखिए, बाइबल धर्म शास्त्र की एक बात को मैं जोड़ रहा हूं, आपका मैं बोल रहा हूं, बारंबार इस बात इस अध्याय को पढ़िए। जब कभी दुनिया की स्थिति परिस्थिति इस प्रकार होगी तो जरूर आपको यह मालूम होना चाहिए कि इन बातें बाइबल धर्म शास्त्र में किस प्रकार लिखी गई है, भविष्यवाणी के रूप में। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं,
मैं इंडिकेट करता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय बुक ऑफ रेवलेशन 16 चैप्टर, मैं कहूंगा आप बारंबार पढ़िए। उस अध्याय में एक भेद है, दुनिया की अंतिम महायुद्ध के बारे में वहां पर मेगिदो अर्थात अर्मगिदोन युद्ध करके शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया, मेगिदो वार, मेगिदो जो जो तराई है वहां पर एक महा विश्व युद्ध होगी जिसका नाम अर्मगिदोन वार करके बाइबल धर्म शास्त्र बताती है, जिसकी जिक्र रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन 16 चैप्टर प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय में लिखी गई है। हम तो कहेंगे आप उस 16 अध्याय को प्रतिदिन एक बार पढ़िए, ज्यादा वचन नहीं है, बहुत कम वचन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बारंबार, अगर आप दुनिया में रहते हुए प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपके विश्वास को आप पक्का करना चाहते हैं, वचन के आधार पर आपका विश्वास होना चाहिए। वचन को छोड़ के अगर हम किसी भी बात पर विश्वास करते हैं, हम धोखा खाएंगे, हम भरमाए जाएंगे। अगर वचन के आधारित हमारे विश्वास है, हम धोखा नहीं खाएंगे, जो हमको धोखा देने आते हैं वे धोखा खाएंगे, वे भरमाए जाएंगे। इसीलिए मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य उसकी 16 अध्याय को लगातार पढ़िए, कि दुनिया के अंदर उस युद्ध शुरू होने से पहले मेगिदो वार अर्थात अर्मगिदोन युद्ध लड़ाई, उसमें लिखा है दुष्ट आत्मा और झूठी भविष्यवक्ता की आत्मा दोनों मिलकर के विश्व के सभी दोस्त के लोगों सभी देश के लोगों को उस जगह में इकट्ठा करेगी, वे सबको आपस में लड़ेंगे, लड़ने के बाद वहां पर इतना लघु लुबान होगा उस धरती की घोड़े के जो नीचे भाग पांव हैं वो उस वहां के खून से उसकी पांव छिप जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए मिडिल ईस्ट एक रेगिस्तान है, डेसर्ट है, मिडिल ईस्ट डेसर्ट है, फुल ऑफ डेसर्ट है, आप कहीं भी जाएंगे वहां पर बालू की रेगिस्तान आपके मिलेगी। तो वहां के रेगिस्तान की धरती इतना खून पीने के बाद उसके ऊपर जितना खून जमेगा उस खून पे जब घोड़े दौड़ने लगेंगे उनका जो नीचे का भाग है जो पांव है वो उसमें छिप जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, दुनिया अंतिम भविष्यवाणी जो दुनिया के अंत होने के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, उसके लिए दुनिया के हर राज्य, दुनिया के हर देश, दुनिया के हर सेना, दुनिया के हर सेना के पास रहने वाले हथियारे अभी पहुंचा जा रहा ताकि लड़ाई शुरू हो, सब कोई हम आपस में लड़ेंगे। उस प्रकार की एक दुष्ट आत्मा का कार्य को आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वर्तमान दुनिया में क्या है, कौन सी पहला पॉलिटिकल मुद्दा है। उस बात के साथ आप इस अध्याय को आप मिला करके देखेंगे तो दुनिया में आज लोग किस प्रकार डरे हुए हैं, दुनिया में आज किस प्रकार लोग रोते हैं, दुनिया में किस प्रकार लोग महामारी से बिलखते हैं, दुनिया में लोग किस प्रकार इस 2 साल में मरे हैं, किस प्रकार, आपके सभी सवालों का जवाब उस अध्याय में लिखा हुआ है जिसमें 7 दूत गणों की काम के बारे में लिखा। पहला दूत आया, दूसरा दूत आया, तीसरा स्वर्ग दूत आया, इस तरह 7 दूतों के बारे में लिखा हुआ। अंत में इसके बाद वहां लिखा हुआ है कि अर्मगिदोन युद्ध के बारे में। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, उस मेगिदो जो जो तराई है जहां पर वैली, मेगिदो वैली, उस वैली में किस प्रकार इन इस प्रकार की बातें होगी, उस लड़ाई की, उस बहुत बड़ा विश्व युद्ध की आवाज आप भी आपके आत्मा के कानों में सुनेंगे। इन बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया। फिर उस वचन को हम पढ़ेंगे 7 और 8 पद को, सभी वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, दिस ऑल बिगिनिंग, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए सब शुरुआत है।
तो ये एक है इसी अध्याय में। दूसरा इसी अध्याय में 27 पद से लेकर हम 32 पद तक पढ़ेंगे, 27 से 32 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहा कि क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही पुत्र का भी आना होगा, मनुष्य का पुत्र को भी आना होगा, जहाँ लोत हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और सारे आकाश से गिर पड़ेंगे, यानी तारागण गिर पड़ेंगे, तारा आकाश से गिर पड़ेंगे, ठीक है, और आकाश की शक्ति और आकाश के शक्तियां हिलाए जाएंगे। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई, तब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह दुनिया धरती में दिखाई देंगे, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे, तब पृथ्वी के सारे कुल के लोग, आज जो अपने आप को घमंड से एकदम घमंड से चढ़े हुए आंखों से दुनिया को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, वे सब कोई उस दिन दुनिया के चाहे फर्स्ट चाहे लास्ट जो भी इंसान दुनिया में होंगे, चाहे वो पैसा वाला होंगे, चाहे वो बहुत गरीब गुरबा तत्व के होंगे, चाहे वो कुछ भी होंगे, चाहे दुनिया को चलाने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, चाहे कोई भी होंगे, दुनिया के सबके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि सब कुलों के लोगों के छाती पीट पीट के वे रोएंगे छिलाएंगे, क्योंकि असली राजाओं का राजा उस दिन इस धरती में उतर कर आएगा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां जिक्र करता है, और मनुष्यों के पुत्र के बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते दुनिया के छोटे से बड़े से सबसे बड़े से जो राजा का अपने आप को आज कहते हैं, जो अपने आप को मैं जो चाहूंगा वही दुनिया में होगा, उतना जो आज चिल्लाते हैं पेपड़ा फाड़ फाड़ करके दुनिया के लोगों को, कुछ लोग दुनिया में जीना चाहते हैं, उस उन कुछ लोगों की संख्या आज दुनिया के बहुत संख्या के लोगों को मारना चाहते हैं, इस कारण आज दुनिया में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। एक समय था काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते थे, हर कंपनी के सामने वांटेड लिस्ट बोर्ड टांगा रहता था, लेकिन आज वो बोर्ड को उखाड़ करके लोगों ने कहीं फेंक दिया, क्योंकि आज संख्या में ज्यादा संख्या में लोग हैं लेकिन नौकरी के तलाश में हैं, नौकरी मिलता नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, उस समय में इस प्रकार की परिस्थिति होगी कि जब मनुष्य का पुत्र अपने सामर्थ बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते सब कोई देखेंगे, उस दिन दुनिया के सबके सब बराबर हो जाएगा। आज ही हम बड़े जाति तुम छोटा जाति, तो हम राजा हैं तुम नौकर हैं, आज हम मालिक हैं तुम मेरा सेवक है, इस प्रकार के जो भी विचार दुनिया के हर क्षेत्र में रहता है, हर कोई उस दिन छाती पीट पीट के रोएंगे जिस दिन मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में वापस आएगा। 31 पद है, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, प्रभु यीशु अपने दूतों को भेजेगा, और आकाश के वे आकाश के इस चोर से उस चोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेंगे। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले इसमें आप है कि नहीं, अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपका मैं फिर कह रहा हूं, आपका विश्वास केवल यीशु मसीह के नाम पर नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर का वचन पर भी होना है, आपका विश्वास इतना तक होना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता वापस आने वाला, उस पर मेरा कितना विश्वास है उस पर ध्यान दीजिए। मैं शुरुआत से ही इस प्रचार को करते सब जब से मैं प्रचार कर रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 16:13 से, कि जहां विश्वास है वहां पवित्रता भी है, वहां आज्ञाकारिता भी है, जहां अविश्वास है वहां पाप है, वहां अनाज्ञाकारिता डिसोबीडियंस है, जिसके अंदर विश्वास है
उसके अंदर होलीनेस है और उसके अंदर ओबीडियंस है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसके अंदर अनाज्ञाकारिता डिसओबीडियंस है और वो पूरा पूरा पाप से भरा हुआ रहेगा। इस सुबह के समय में मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। 32 पद अंजीर के पेड़ से आप दृष्टांत सीखो, ठीक है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है। ठीक, एक मिनट, यहाँ 32 पद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ पूरा अध्याय को पढ़ना है, मैं इसलिए इसको ब्रेक करके पढ़ रहा हूँ। 31 पद तक आप रखें। तीसरी बात को मैं बोल रहा हूं, तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बतलाया था। 35 पद से लेकर 41 पद तक पढ़ेंगे, 35-41। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परंतु पिता केवल जानता है। जैसे नूह के दिनों में थे वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रकार की बातों को आप कभी कभी प्रचार में सुनते हैं या आप हमेशा इस अध्याय को और आपका ध्यान को आकर्षण करते हुए हफ्ता में एक बार इस अध्याय को पलट के पढ़ते हैं। मैं तो कहूंगा हफ्ता में एक बार, अगर आप यहां सुनते हैं, आप इस दुनिया के किसी भी कोना में बैठ करके सुनते क्यों ना हो, मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान दीजिए, हफ्ता में एक बार इस अध्याय को पलट के पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, जिससे आप परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करते हैं, मैं आपके घर में आने के लिए अपने आप को तैयारी करता हूं। कितने मसीह बच्चों के पास आज बाइबल के वचन का ज्ञान नहीं होने के चलते वे अन्य जाति बच्चे उनको ड्राइव करते हैं, जबकि मुझे मसीह यीशु ड्राइव करना चाहिए, चलाना चाहिए, लेकिन हम इस सत्य वचन की जानकारी न रखने के चलते अन्य बच्चे अपने मनोरंजन के लिए हमारे बच्चों को, मसीह के नाम में पाए जाने वाले बच्चों को इस्तेमाल करके वे परमेश्वर के बच्चों को द्वारा मनोरंजन लेने में वे समय बिताते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस झुंड में हैं? मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, यीशु की इंतजार, दूसरे आगमन की इंतजार करते हैं, मैं बारंबार कहना चाहता हूं इस अध्याय को आप बारंबार पढ़ते रहिए, कम से कम हफ्ता में एक बार, जो आपके चित्त से, आपके दिल से, आपके दिमाग से कभी उतरने ना पाए। शैतान आपको इस जगह से भड़का करके दुनिया की बातों को वो ले जाने ना पाए। एक और बात को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, चौथी बात, यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में इसी अध्याय में 14 बार कहता है, 42, 43 और 44 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंत लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र इस संसार में वापस आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में
एक ही अध्याय में चार बार उसके दूसरे आगमन के बारे में उसने जिस रीति से जिक्र किया था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी में लाया। दूसरी एक बात को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, प्रेरितों की पुस्तक, उसकी प्रेरितों के काम की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स, उसकी पहला अध्याय, उसके पहला अध्याय हम उसमें 9, 10, 11 पद को पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 9, 10, 11 पद ये क्या करो उनके देखते देखते ऊपर प्रभु यीशु मसीह ये कहकर उन लोगों को, चेले लोग देखते समय में, प्रेरित लोग देखते समय में वो स्वर्ग उठा लिया गया था और बादल ने उसे, बादल ने यीशु उनको उनकी आंखों से प्रभु यीशु को छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे प्रभु यीशु मसीह को जाते समय जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच में से स्वर्ग उठा लिया गया था, जिस रीति से तुमने यीशु को स्वर्ग जाते हुए देखा है उसी रीति से प्रभु यीशु फिर इस संसार में आएगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूतों का बयान है। जब प्रभु यीशु धरती से पहली बार उठा लिया गया था स्वर्ग जाने के बाद, जब चेले लोग ऊपर देख ही रहे थे उस समय दो स्वर्गदूत आकर के उन लोगों को इस बात को बतलाया कि प्रभु यीशु मसीह आज जिस तरह स्वर्ग उठा लिया गया है उसी तरह एक दिन वापस वो आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय उसमें हम 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 11 और 12 पद जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेकों के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे साथ है। जब मैं आऊंगा तब लेकर के आऊंगा। इसी अध्याय में 20 पद को भी पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं आमीन। हे प्रभु यीशु जल्दी आ। मेरे प्यार मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि यहां पर हम कितना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर हम जागते रहते हैं, विश्वास करते हैं, कितना उस विश्वास में हम जागे रहते हैं। जब तक आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जागते नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को जगाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आप मसीह को जानने वाले हैं, आप हो सकता है गैर मसीहों के बीच में पढ़ते होंगे, काम करते होंगे, रहते होंगे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, इस पूरा समस्त दुनिया के लोगों को जो अंतिम न्याय प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आने वाला है उसके बारे में, तब ही आप उन लोगों को जिनके बीच में आप पढ़ने के लिए जाते होंगे, रहने के लिए वहां आपके डेरा वहां पर हो सकता है आप वहां पर काम करते होंगे, जिनके बीच में आप काम करते हैं उन लोग सबको प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते होंगे। ऐसी परिस्थिति में आप जितना उस यीशु के इंतजार करते हैं, जितना आप उस यीशु के आगमन के बारे में विश्वास करते हैं उसी का आधारित है, आप दूसरों को प्रभु के बारे में बतलाएंगे और दूसरों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेंगे। मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं 3 बात को जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए, उसके बाद एक कंक्लूजन पॉइंट को मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, तो किस प्रकार हमें अपने आप को तैयार करना है, किस प्रकार जो तैयार नहीं है उनको किस प्रकार की तैयारी की जरूरत है उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय नंबर 1, मैं 3 बात को बतलाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसमें 40 पद को हम पढ़ेंगे, 12 का 40, ठीक है।
तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आवेगा। ध्यान दीजिए, आप जिस समय सोचते नहीं हैं, किसी को मालूम नहीं था दुनिया में कि सुनामी करके एक है जो समुद्री भूमिडोल है, भूकंप है समुद्र के अंदर, समुद्र के जमीन के नीचे जब भूकंप होगा तो उस समय समुद्र के पानी को वो फेंकेगा समुद्र के बाहर। जब वो पानी फेंकेगा उस समय हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में लोग मर सकते हैं। इस बात को लोग विश्वास नहीं करते थे, लोगों को मालूम भी नहीं था। लेकिन पहली बार जब 2000 के बाद में, साल 2000 के बाद में जब पहली बार विश्व में, इंडोनेशिया के देश में समुद्रा जो टापू है, उस समुद्रा टापू में पहली बार, बहुत पहले हुआ होगा लेकिन रिकॉर्डेड, पूरा विश्व के लोगों का आंख खुल गया था। वो समुद्र के अंदर भी भूकंप होता है जिसका नाम सुनामी करके लोग उस समय से जानने लगे। जब इंडोनेशिया में उस समुद्रा टापू में सुनामी हुआ था, यानी समुद्री भूकंप हुआ था, जिसका असर हिंदुस्तान तक हुआ है। हिंदुस्तान के जितने समुद्र के तट है, चेन्नई शहर है, चाहे गुजरात में जितना समुद्री तट पर रहने वाले शहर हैं, और महाराष्ट्र में मुंबई शहर में पानी फेंका गया, बहुत जगह में, इस तरह हम बतला सकते हैं, आंध्र प्रदेश में जितने समुद्री तट पर शहर हैं, सब जगह में बहुत लोग मरे हैं। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, किसी को मालूम नहीं था समुद्री सुनामी अर्थात भूकंप होती है। जब हुई थी तब लोग समझने लगे। आज सुनामी शब्द को आप कहीं भी कहेंगे लोग सबको अलर्ट हो जाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, तो जब लोग जानते नहीं थे उसी समय सुनामी आया, बहुत लोग, पूरा दुनिया को हिला दिया। आज भी आप इस बात को गूगल में जाकर सर्च करके देखिए, जापान देश में विश्व में सबसे ज्यादा समुद्री भूकंप होती है। इस कारण जैसा हमारे देश में बड़े बड़े मकान ईंट का बनता है, उस तरह परमानेंट मकान जापान देश में नहीं बनाते हैं, टेम्पररी बनता है, क्योंकि उनका मालूम है कभी भी सुनामी आ सकती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, एक प्रकृति की जो प्रभाव है उस पर अगर लोग इतना विश्वास करके, उसके लिए हम पक्का मकान नहीं बनाएंगे, क्यों हम उसमें पैसा लगाएं, उससे अच्छा हम तत्कालीन मकान बनाएंगे, सुनामी आएगा तो घर छोड़कर हम भाग जाएंगे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इतना लोग इस संसार में जीने के लिए तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो आपको सोचना चाहिए उस दुनिया में जाने के लिए, अर्थात स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को किस तरह तैयार रखना होगा। जब आप सोचेंगे नहीं उसी समय बाइबल धर्मशास्त्र बताते प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगी। यहाँ एक साथ 37 पद से लेकर पढ़ेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक खास बात इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर यीशु मसीह आकर उनको कमर बांध कर उनके लिए सेवक बन करके उनके लिए सेवा करेगा, ठीक है, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते हुए पाए तो वे दास धन्य वे दास धन्य है। परंतु तुम जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना अपना घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। ध्यान दीजिए, एक बार सेवकाई के लिए मैं कोड़ेकानल शहर गया था। कोड़ेकानल जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जब सेवकाई समाप्त हुई उस जगह में एक ब्रदर हमसे बोले कि भैया यहाँ पर एक भाई है, उनका नाम क्रिस्टोफर है, उनसे आपको मिलना बहुत जरूरी है भैया, वो बहुत निवेदन किए। तब हमने कहा कि अगर मेरी जाना वहां जरूरी है तो मैं जाऊंगा। तो मैं जाकर के भाई क्रिस्टोफर से मिला था। मैं रास्ता में जब जा रहे थे मैंने पूछा क्या जरूरत पड़ गई उनके घर जाने के लिए, तो मैं जानना चाह रहा था। उसके लिए उन्होंने कहा भैया 2 दिन के पहले उनकी बेटी मर गई, उनको 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे थे,
एक बेटी एक बेटा, बेटी बड़ी थी लगभग वो 7 उम्र के 7 या 8 उम्र की बच्ची हो सकती है, वो बेटी मर गई भैया, गुजर गई, अचानक गुजर गई। तो मैं जाकर के उनसे पूछा भाई क्रिस्टोफर से कि भाई क्रिस्टोफर आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि आपका दुख में मैं भी सहभागी हूं, तो मेरे भी 2 बेटी है, इसलिए आप ये मत समझो कि आपका दुख को मैं समझ नहीं सकता हूं, मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या हुआ है। तो उसने उस समय कहा था कि सबसे पहले मैं प्रभु आपके सामने, मैं प्रभु को हाथ जोड़ करके प्रभु से मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे और उनकी बेटी मरने के वो शायद वो 3rd या 4th दिन उसी बीच में हम लोग गए थे वहां पर, इस बीच में वो व्यक्ति 3-4 बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया था कि बेटी मर गई अब क्या जीना है, इस विचार से वो आत्महत्या करना चाह रहा था। भाई क्रिस्टोफर, मैं जब उनसे मिला उस समय, मैं आपको देखने के बाद भैया हमको प्रभु की याद आती है, मैं प्रभु से पहले क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं सच्ची बात को आपको बोल रहा हूं करके उसने अपना मुंह खोला, किसी से बात नहीं कर रहा था, उस दिन बात किया, उस दिन मुंह खोल करके बात करने लगा। वो कह रहा था कि भैया मैं मोबाइल का गुलाम हो गया था, भैया मैं मोबाइल का इतना गुलाम हो गया था कि मैं पत्नी से बात नहीं कर रहा था, दोनों बच्चों से बात नहीं कर रहा था, और मेरी बेटी वो जिस जगह में रहता था उस जगह में, उस घर के ऊपर उनका चर्च था, बहुत बड़ा चर्च, उसी चर्च में ग्राउंड फ्लोर में वो रहा करता था किराया पर। तो वो कह रहा था मेरी बेटी चर्च में सबको मेरी बेटी की तारीफ करते थे, इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची की इतना बुद्धि कैसे आ गया, ज्ञान कैसे आ गया करके सबको बोल रहे थे, लेकिन मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी बच्ची को परमेश्वर ने जो खूबी खूबत और लियाकत दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, इसके बारे में मैं सोचा ही नहीं था, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी बच्ची को मैं अचानक वो कुछ कुछ लिखती थी बड़ा बड़ा कॉपी में, कुछ कुछ ड्राइंग करती थी और उसके बाद उसको दीवार में चिपका देती थी, वो जो भी लिखती थी केवल परमेश्वर का वचन जो चर्च में सुनती थी उस प्रचार को, मैं वो भी ध्यान नहीं देता था, अभी मैं देख रहा हूं वो हर हफ्ता का प्रचार को 7-8 उम्र की बच्ची, मेरा पास्टर जो भी प्रचार करते थे उसको पूरा सुंदर ढंग से लिख करके दीवार में चिपका देती, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने के जैसे चित्र बना करके कहीं कहीं मेरा घर में अभी भी चिपका हुआ हो भैया। लेकिन हमारा, मैं इतना गुलाम हो गया था मोबाइल का, इन बातों को मैं देखा ही नहीं था। तो मेरी बेटी के पास मैं अचानक दौड़ करके, वो जब लिखती थी वचन या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में वो चित्र बनाती थी, मैं उसके सामने जाकर के मुंह उसके उसके कापी और उसका चेहरा के बीच में मैं मोबाइल को घुसा करके बोलता था, देखो बेटी किस तरह का इस मोबाइल में, देखो ये देखो वो देखो। वो कुछ नहीं बोलती थी, मेरे हाथ से मेरा वो अपना बाएं हाथ को उठा करके मोबाइल को पकड़ती थी और धीरे से बोलती थी, पापा जी पापा ये मुझे नहीं चाहिए। इस तरह मैं कई बार किया था मेरी बेटी के साथ, लेकिन कई बार मेरी बेटी ने इसी तरह कह दी। और एक दिन की बात है, मरने के पहला दिन रात में मैं इसी तरह दौड़ करके उसको दिखलाया था, तो वो बोली पापा इसको आप नीचे रखिए, एक दिन आएगा आप मुझको इस मोबाइल लेकर के खोजेंगे, मैं आपके पास नहीं रहूंगी, मैं प्रभु के घर में चले जाऊंगी। वही उसकी आखिरी कॉन्वर्सेशन बातचीत थी अपने पिताजी के साथ। कल रात में इस तरह बात की, आज शाम को उसका अंतिम संस्कार था, फ्यूनरल सर्विस हो गया। रात में अचानक तेज बुखार हुआ, अस्पताल लोग ले गए सवेरे, जाते जाते अस्पताल में दम तोड़ दी बच्ची। तो उस समय में भी वो आखिरी में जो लिखी थी यही लिखी थी, अपने पिताजी के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, मैं शीघ्र आने वाला हूं, नीचे यीशु प्रभु बाइबल। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, वो बच्ची आज स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। अचानक प्रभु यीशु आएगा, अचानक इस संसार में लोग इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अचानक चले जाते हैं। इस बच्ची के बारे में लगभग 7-8 साल के पहले हमने उस शहर में जब प्रचार करने गया था, उसके पिता और उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई, बहुत छोटा बच्चा था वो, हो सकता 2-3 बरस का बच्चा हो सकता, उन तीनों के लिए हमने प्रार्थना किया। मैं 3-4 दिन के पहले ऊपर टहल रहा था,
तो उस समय मेरे भैया फोन किए थे मद्रास शहर से, वहां एक सेवक के बारे में हमको फोन करके बोले, जो मेरे घर के मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के बगल में ही उनका घर है चेन्नई शहर पे, वो भैया प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे और वो इतना सेवा कठिन सेवा किए तमिलनाडु में, चेन्नई शहर से आसपास के लगभग 200 किलोमीटर के अंदर या 150 किलोमीटर के अंदर वो अपना बाइक लेकर के चले जाते थे सेवकाई के लिए, 150 किलोमीटर बाइक में जाते थे, अकेले जाते थे, जबकि उनको वो बैंक में मैनेजर थे, परमेश्वर ने उनको सेवकाई के लिए बुलाया, वो हमको भैया लगते हैं, और उस सेवकाई को प्रभु की आज्ञा को मानकर उन्होंने त्याग दिया और प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन को अर्पण किया और जाकर के प्रभु की सेवकाई करने लगे। लगभग मेरे हिसाब से 25 साल वो सेवा किए, उसे ज्यादा ही किए होंगे, लेकिन 25 साल वो सेवकाई को कंप्लीट किए और पूरा पूरा विलेज मिनिस्ट्री गांवों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते थे। 4 दिन के पहले मेरे बड़े भैया हमको फोन किए और बोले कि उनका नाम लेकर के, जो सेवक मर गए उनका नाम लेकर के, कि वो अभी दुनिया में नहीं रहे। हम पूछे क्या हुआ भैया, कि वो सवेरे साइकिल लेकर के कहीं जा रहा था। मेरे बड़े भैया उनसे 4 बरस बड़े हैं, तो तुम ताम लगा करके वो लोग बात करते थे, तो मेरे भैया बोल रहे थे वो सवेरे साइकिल लेकर के 8 बजे कहीं जा रहा था, जाते समय में कोई जवान लड़का बुलेट में इतना स्पीड आया, एक ही बार उनके शरीर में यानी उनके साइकिल में धक्का मारा, वो जाके गाड़ी में से वो फेंके गए, साइकिल से फेंके गए, जाके जैसे गिरे साइड में रोड के किनारे जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें उनका सर का पीछे भाग जाकर के सीधे ठोकर खाया, उसी जगह में सर फट गया, वही शरीर का सारा खून उनका शरीर में से निकल गया, उसी जगह में वो मर गए। एक ही मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जिस तरह लोग इस तरह अचानक इस संसार अच्छे लोग, मैं दुष्टों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बोल रहा हूं। बीते हफ्ता में एक घटना घटा है, और भैया के पत्नी भाभी वो अभी भी बैंक में मैनेजर है कैनरा बैंक में, उनका एक बेटा एक बेटी है, बेटी चेन्नई में वो अपने पति के साथ रहती है, बेटा जर्मन में नौकरी करता था, वो बेटा आया था साथ वो पिताजी के अंतिम फ्यूनरल सर्विस में, अंतिम संस्कार की आराधना में। मैं इस बात को इसलिए यहां पर बोल रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि जिस तरह इस संसार में से अच्छे अच्छे लोग अचानक संसार छोड़ के चले जाते हैं, उसी तरह अचानक प्रभु यीशु मसीह एक दिन इस संसार में आएगा। और यहां पर सेवकों के बारे में लिखा है, मैं इस प्रचार को यहीं पर अभी बोल रहा हूं कि अगला हफ्ता मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे इसको समाप्त करने का मन नहीं है, जल्दीबाजी में मैं कुछ कुछ बोलकर का अंत नहीं करना चाहता हूं। यहां पर सेकेंड और दूसरा पॉइंट को मैं अगला हफ्ता प्रचार करूंगा, ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है सेवकों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो जागते रहता है, उन सेवकों को अपना कमर बांध के गमछा तौलिया से अपना कमर, स्लेव जो होते हैं या जो नौकर होते हैं वो मालिक के साथ ऐसा करते हैं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, यहां प्रभु यीशु मसीह कहता अपने उसके लिए सेवा करने वाले लोगों के लिए कि मैं अपना कमर बांध कर सेवकों को मेरे दासों को बैठा करके मैं उनकी सेवा करूंगा। अब रहा सवाल कि क्या ये केवल सेवक मतलब केवल सेवक लोगों के लिए है, एक वचन को पढ़ेंगे पुराना नियम में, उसके बाद नया नियम में मैं एक वचन को दिखाना चाहता हूं। सेवकाई केवल सेवकों के लिए नहीं है, इस विचार को आप अपना दिमाग से हटा लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं सेवकाई केवल सेवकों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। सेवकाई उन सबों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, उन सबके लिए जिम्मेदारी दी गई है। प्रकाशित लेवी व्यवस्था, सॉरी बुक ऑफ लेविटिक्स, हम पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसकी 25 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसकी 25 अध्याय, उसमें हम 55 पद, ये जो आखिरी वचन है इस किताब इस अध्याय में, उस वचन को पहले पढ़ेंगे। पुराने नियम में परमेश्वर जरूर लेवी गोत्र करके एक गोत्र के लोगों को सेवकाई करने के लिए परमेश्वर उनको नियुक्त किया, ठहराया, चुना है, अच्छी बात है, परंतु यहां एक शब्द को परमेश्वर जोड़ता है, पढ़ेंगे 55 पद
क्योंकि इसराइली मेरे ही दास है। क्योंकि इसराइली मेरे ही दास है। वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। बाइबल धर्मशास्त्र में इस बात को परमेश्वर जरूर पुराना नियम में लेवी गोत्र के लोगों को परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन समस्त इज़राइल के बारे में परमेश्वर कहता है इज़राइली मेरा दास है, सबके सब मेरा सेवक है। मैं आपसे कह रहा हूं अब मैं और मेरी पत्नी फुल टाइम परमेश्वर की मिशनरी सेवक है, तो इसका मतलब क्या मेरी बेटी लोग सेवा नहीं कर सकती है? बिल्कुल गलत सोच है। हर किसी को प्रभु के लिए सेवा करना है। क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा केवल, मेरी पत्नी के लिए केवल मर गया खून बहाया? नहीं है। दुनिया के हर किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया, हर किसी के पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपना जीवन को बलिदान दिया, उसके हाथों पर पैरों पर कील ठोका गया, उसके सर पर मुकुट का कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके सीना पर लोगों ने भाला से मार के उसके दिल को फाड़ दिया। इतना दर्दनाक मौत यीशु को सुनाया गया। इसीलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है सुनाने वाले एक फॉर्मेलिटी के लिए सुना दिए, मौत सुनाए, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को सह लिया। सत्य सच्चाई ये है, किसी ने जजमेंट किया उसके चलते यीशु नहीं मरा, यीशु मरने के लिए ही संसार में आया है, बलिदान होने के लिए आया है, मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु आया है। इसलिए उसकी सेवा करना सबका दायित्व है, सबका जिम्मेदारी है, सबको प्रभु के लिए सेवा करना। इसलिए पुराने नियम में इस वचन स्पष्ट तौर से बतलाती है हे इज़राइली तू मेरा दास है। इज़राइल के सब कोई मेरा दास है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, चाहे बूढ़े है चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं चाहे अधेड़ उम्र के क्यों ना हो, सब कोई मेरे सेवक है, मेरी सेवा करेंगे। तो यहां पर कभी कभी हम ये सोचते हैं केवल पास्टर लोग ही प्रचार करेंगे, केवल पास्टर लोग ही, पास्टर की पत्नी ही, पास्टर के बच्चे ही, वही लोग करेंगे सेवकाई किसी को अग्रिम किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं दिया गया। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेवकाई किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर जिस तरह टीका देता, संसार में लोग जिस तरह टीकेदारी करते हैं वैसा टीकेदारी परमेश्वर किसी को नहीं दिया। सेवकाई सबको करना है जो कलीसिया के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने पापों से मर के मन फिरा के बपतिस्मा लिए, हर किसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए आप इसमें से भाग नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु यहां पर बतलाता है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश है, तुम राज पदाधिकारी, तुम याजकों का समाज, तुम मेरे लिए सेवकाई करने के लिए मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। उसकी गुण प्रकट करें, प्रभु की गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में लेके आया। लेकिन यहां एक वचन को मैं जोड़ने से आपको अच्छा रहेगा, कभी भी आप इस विचार में से राइट लेफ्ट दाएं बाएं भागते होंगे कि नहीं सेवकाई मेरा नहीं है सेवकाई। मैं आपको कह रहा हूं आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सेवा करना है। जहां आप पढ़ते हैं वहां के बच्चों के बीच में आप प्रचार करेंगे, प्रभु के बारे में बतलाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं जहां आप रहते हैं वो जिनके बीच में आप रहते हैं उनको प्रभु के प्रेम प्रचार करना आपका दिया हुआ परमेश्वर का जिम्मेदारी है। इसलिए आप उसे राइट लेफ्ट भाग नहीं सकते। क्यों? 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं उसी वचन उसी अध्याय में। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, आपके पास कलम होगा तो अंडरलाइन कर लेते, आज हम कुछ हो गए, पहले हम कुछ नहीं थे। हमें कुछ बनाने के लिए प्रभु ने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है। लेकिन अफसोस इस बात की है बहुत लोगों को प्रभु कुछ बना देने के बाद वे बहुत कुछ हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि उसको भूलिए मत। हम इसलिए हर हफ्ता हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, क्योंकि उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना।
मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हम कुछ भी नहीं थे, आज जो कुछ है हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ भीख है। हम एक बेगर के तरह संसार में थे पाप की क्षमा पाने के लिए, भीख मांगा जैसे हम इस संसार में थे, शांति की भीख मांग रहे थे, पवित्रता की भीख मांग रहे थे, मन फिराने के लिए चाहते थे लेकिन मन नहीं फिरता था, बारंबार उसी पाप में गिरते थे जिस पाप को हम करते थे, हम पाप की क्षमा के लिए भीख मांगते थे। तो हमें वो भीख कहीं से नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु के समय में उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दान के रूप में दे दिया। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 ध्यान दीजिएगा, यहां स्पष्ट तौर से बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहला पत्रस 2:10 को पढ़ रहा हूं, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो, परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया पहले नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। पहले हम कुछ नहीं थे, पहले हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, पहले हम पर परमेश्वर की दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम परमेश्वर के प्रजा हो गए, अब हम परमेश्वर के संतान हो गए, अब हम परमेश्वर का दया को पा लिए, अब हम परमेश्वर की कृपा को पा लिए। एक गीत है, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद 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 करके हम उस गीत को गाते हैं। भाई बहन, आज हमारा दिल कितने धन्यवाद धन्यवादित है, आज हम कितने धन्यवादित हैं परमेश्वर के लिए, आज हमारा दिल कितना परमेश्वर की प्रति धन्यवाद की बातों से हमारा दिल भरा हुआ है। इन सारी बातें हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते जोड़ती हैं, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है पुराना नियम के लोगों में 12 गोत्र के लोगों में से एक गोत्र के लोगों को जरूर प्रभु परमेश्वर सेवकाई के लिए ठहराया, नियुक्त किया, लेकिन वही परमेश्वर समस्त इज़राइलियों के बारे में बतलाया था, हे इज़राइल तुम मेरा दास है, मैं इसलिए तुमको मिस्र देश की गुलामी में से आजाद करके मेरे दास बनने के लिए लेके आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। सुबह के समय में हम इस बात को अपने दिल में अपने दिमाग में बैठा लें कि सेवकाई केवल सेवकों का नहीं है, सेवकाई अगर आप विश्वास करते यीशु आपके लिए मरा है आपका भी जिम्मेदारी है, आपको भी करना है। अचानक प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारे जीवन से अगर वो बहुत खुश होते हैं, मेरी बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिए, वो हमें बैठा करके गमछा बोलचाल भाषा में या तौलिया उसको गर्दन में से निकाल के कमर में बांध के हम सबों को बैठा करके यीशु हमारी सेवा करेगा, जबकि वो हमारा प्रभु है लेकिन वो हमारी सेवा करेगा। आप पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अंतिम प्रभु बोझ अपने चेलों के साथ करते समय में प्रभु यीशु चेलों को पैर धो करके अंगूठा से उनके पैर को अगर पोछा है करके बाइबल में लिखा हुआ है, अगर वो हुआ है तो ये भी जरूर आपके साथ होगा। आप प्रभु के लिए ईमानदारी से आत्माओं को बचाएंगे, सेवा करेंगे, प्रभु के बारे में लोगों को बतलाएंगे, जो प्रभु आपके लिए भलाई किया उस भलाई का आप दूसरों को पहुंचाएंगे, दूसरों को बतलाएंगे। तो मैं आपको एक भविष्यवाणी का संदेश प्रचार कर रहा हूं, किसी दिन प्रभु इस संसार में वापस आएगा, हमें बैठा करके हमारे लिए गमछा बांध के वो सेवा करेगा। भाई बहन, मैं एक और बात पर यहां पर जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिए, अचानक आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति कितना विश्वास है? आप एलआईसी भरते होंगे, एक बात के लिए बोल रहा हूं, इंश्योरेंस किसी भी कंपनी में, आज बहुत सारा कंपनी का नाम मिट गया है, जो प्राइवेट है या सरकारी है, बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं हम कहां हैं, रहने दो अलग बात है, लेकिन एक बात के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इंश्योरेंस जमा करने की आदत है, इंश्योरेंस मेरा तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेरा इंश्योरेंस यीशु मसीह है, मेरा बैंक स्वर्ग राज्य है, मैं क्लियर कट में बोल रहा हूं, लेकिन आपको अगर इंश्योरेंस भरने का आदत है, अगर आप कोई कोई 10 इंश्योरेंस बनाते, 10 उंगली है इसलिए 10 इंश्योरेंस होना चाहिए, वैसा भी
लोग पैसा के भूखे होकर के इंश्योरेंस भरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस आधार पर आप इंश्योरेंस जमा करते हैं? क्या आपको मिल जाएगा? मैं मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके अंदर अंतरात्मा में एक विश्वास है, मेरे पैसा, मैं इतना इतना बूंद बूंद का पानी तालाब बन जाती है। उस तरह मैं आज थोड़ा थोड़ा जो जमा कर रहा हूं, किसी दिन मेरे बुढ़ेपे में ये पैसा बड़ा रकम के रूप में काम आएगा। ये आपके अंदर विश्वास है, इसीलिए आप जमा करते हैं। करते हैं तो अलग बात है, नहीं करते तो वो भी अलग बात है। तो मैं आपको करो या ना करो उसके बारे में बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपके विश्वास के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपके अंदर एक विश्वास है, इसलिए तो पैसा जमा कर रहे हैं। FD फिक्स्ड डिपॉजिट, कुछ लोग 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 10 लाख रुपए मिलेगा, जमा कर देते हैं। 2 लाख डालते हैं तो 3 लाख मिलेगा, जमा कर देते हैं। एक विश्वास है, उस आधार पर लोग जमा करते हैं, उसके बाद फिर उसको पाते हैं। तो अगर संसारिक बातों के ऊपर प्रभु को जानने वाले व्यक्ति आपको इतना विश्वास है संसारिक बातों के ऊपर, मैं सीधे आपसे सवाल कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति आपके अंदर कितना विश्वास है? बाकी बातों को मैं दूसरे तीसरे पॉइंट को मैं अगला हफ्ता में बोलूंगा। ध्यान दीजिए, अपने जगह में सब कोई खड़े हो जाए। समय समाप्त है, पक्का 11 बज रहा है। आइए हम फिर अपने जगह में खड़े हो जाए। हम मिल करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक और बात, कोई भी मुसीबत आने से भी विश्वास से कभी भी मैं डगमगाऊंगा नहीं प्रभु, आनंद से दौड़ को पूरा करूंगा, जीवन का मुकुट को मैं प्राप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। सब कोई अपने जगह में खड़े होकर के अपने आंखों को बंद करते हुए, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी मुसीबत आने से मैं विश्वास से कभी न डगमगाऊंगा, कोई भी मुसीबत आने से मैं विश्वास से कभी न डगमगाऊंगा, आनंद से दौड़ को पूरा करूंगा, आनंद से दौड़ को पूरा करूंगा, जीवन का मुकुट मैं प्राप्त करूंगा, जीवन का मुकुट मैं प्राप्त। सबको हाथों को उठाते हुए, तेरे लिए मैं सदा अपने
हाथों को उठा करके प्रभु का हाथ में अर्पण करते हुए, प्रभु हम आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, आपके लिए सेवा करेंगे, आपका नाम को मैं उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो लोग तेरे नाम को नहीं जानते। प्रभु एक अर्पणता के साथ मैं चाहूंगा आधा मिनट कम से कम अपने मुंह खोल करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करें। एक मसीह परिवार में जन्म लेने के चलते या सेवकों के बच्चे होने के चलते मुझे भी क्या जबरदस्ती के साथ सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, वैसा सोचने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर का बुलाहट है, प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु केवल हमारे माँ बाप के लिए नहीं मरा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे गांव के लिए मरा है, इसलिए उसके लिए हमें सेवा करना। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर का दिया हुआ जिम्मेदारी है। उस अर्पणता के साथ हम अपने आप को प्रभु का हाथ में अर्पण करते हुए हम अपने दोनों हाथों को उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपको पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वामी मैंने कभी आपसे, आपको जानने से पहले कहा नहीं था यीशु मेरे लिए मर जाओ, यीशु मेरे लिए मार खाओ, यीशु मेरे लिए आपके हाथों में कील ठोकवा लो, आपके पैरों में कील ठोकवा लो, आपकी सर पर कांटों का मुकुट पहनवा लो करके हमने कभी आपसे प्रार्थना नहीं किया। प्रभु हमें, हम आपके बारे में जानने से पहले 2020 साल के पहले आपने हम लोगों के ऊपर जो प्यार किया उसके चलते आपने स्वयं अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान देके हमारे लिए खून बहा के अपना जीवन देके हमसे प्रेम किया, अपने संपूर्ण रक्त बहा के तूने हमारे लिए जीवन देके हमसे प्रेम किया। स्वामी उस प्यार के बदले जब तक हम जिएंगे तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। इस रीति से हम सबके सब अपने आप को आपके लिए अर्पण करते हैं, खास तौर से प्रभु तेरी दूसरी आगमन के प्रति। यहां पर जितने लोग हैं और दूर दूर में बैठ करके जो लोग सुनते हैं तेरे वचन को, सबके अंदर विश्वास को जगाइए और उस विश्वास में स्थिर रहने के लिए सब किसी के हाथों को पकड़ करके अगुवाई कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं तू बहुत जल्दी इस संसार में वापस आने वाला है हमें अपने घर में ले जाने के लिए। उसके लिए हम विश्वास के साथ अपने आप को तैयार रखने, औरों को तैयार करने के लिए हम सभी लोगों को ऊपर अनुग्रह कृपा दया करुणा कीजिए। प्रभु तेरे सामर्थ्य आत्मा को बढ़ा करके हमें आशीष दे। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने का है। आमेन।